तो स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नए वीडियो में। मैं उसे आप लोग देख रहे हो जय गेमिंग यूट्यूब चैनल। तो आज हम वापस से खेलने वाले हैं एक बार फिर से रैंक मैच, क्योंकि मैंने भी खेला था पहले भी। तो फिर से मैंने कह रहा हूँ ये रैंक मैच है। यहाँ पे दो स्क्वाड उतर रही है, मेरे स्क्वाड मिला के यहाँ पे तीन स्क्वाड हो चुकी है। तो देखते हैं इस तीन स्क्वाड में से किसके स्क्वाड यहाँ पे बचती है। तो इसी मैच में हम देखने वाले हैं क्या होने वाला है। तो पहले तो हम उतरने के पहले ही सबसे पहले हम लूट करने वाले हैं, क्योंकि लूट भाई बहुत ज़रूरी है, बिना लूट के मैच होने ही नहीं वाला है। तो हम यहाँ पे लूट पहले किए। चलो ये मुझे लॉन्ग रेंज की एक गन मिल गई, और ये एक भाग अच्छा था तो शॉर्ट रेंज की भी गन यहाँ पे मिल चुकी। और देखो सामने ही एक मेरा बंदा है भाई, सामने एक बंदा आ चुका है, लेकिन मैंने इसे देखो 22 23 24 25 ऐसे कुछ समथिंग इतना डैमेज मैंने उसे दे दिया है। देखो भागने की कोशिश कर रहा, लेकिन वो भाई मेरा किल होना चाहिए, क्योंकि मैंने उसे पूरा गंदा वाला ऑलरेडी पहले डैमेज दे दिया था, लेकिन मेरे नेट इशू के कारण किल मेरा ही हुआ है, क्योंकि इसे मैंने डैमेज दिया था तो थोड़ा लेट दिखा है, लेकिन ये किल मेरा ही गया है। और यहाँ पे एक टीममेट इसका यहाँ पे था, मैंने इसे देखा था कि ये रहा, इसे भी मैंने 36 37 19 ऐसे कुछ डैमेज दिया। ये इतना गधा भाई, इतना बड़ा गधा, देखो ये ऊपर आ गया फिर से गलती से आया, लेकिन ये सही हुआ कि ये किल भी मेरा ही किल था। ये भी इसने सही किया कि ऊपर आके ये किल मेरा कंफर्म किया इसने, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए से भारत रत्न भाई ज़रूरी है, इसे मिलना ज़रूरी है यार, क्योंकि इसने मुझे किल कंफर्म करने में मेरी मदद की। और ये एक देखो ये रहा यहाँ पे, ये गया 198 198 और 36 37 का इधर ही जोड़ घटाओ कर लेना, ऐसे कुछ लगा था। ये भी किल मेरा ही कंफर्म हुआ है, और इसका एक टीममेट और बचा होगा, जो कि मैंने तीन को मार दिया, एक और बचा होगा तो इधर ही आसपास होगा, वो भी भटक रहा होगा यार, इधर ही आसपास होगा वो भी, देखते हैं किधर है भाई। शायद से पहले थोड़ा लूट कर ले, क्योंकि अगर होगा ना तो ये लोग उसे डैमेज करेंगे, या लोग ये लोग मारने की कोशिश करेंगे मेरे टीममेट्स, तब पता चलेगा मुझे, तब मैं एक किल वहाँ पे चोरी कर लूँगा इनका। कोई बात नहीं, एक आध किल चोरी करना भी चाहिए, कोई बात नहीं कर लूँगा। देखते हैं यहाँ पे आसपास होना चाहिए भाई, ये देखो उसे डैमेज पड़ा है, शायद उसने गोली भी चलाया है। पहले हम ना हिट लिस्ट करने वाले हैं, हिट लिस्ट करके देख लेते हैं कि किधर है वो। हिट लिस्ट करने के बाद पता चल जाता है ना कि बंदे किधर है, तो अच्छी बात होती है कि बंदे अगर पता चल जाए तो खोजने में थोड़ा मदद मिल जाता है। ये लोग ग्रेना वाले ने ये कुछ ढंग का काम किया भाई, ये मिला। देखो बंदे इधर नहीं है, बंदे मुझे दिख रहा है जैसे कि वो ये रहा, लेकिन बंदे मुझे पिक पे शो कर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे कोई रिवाइव कर रहा है, शायद उसी का टीममेट्स होगा। ये देखो यहाँ पे ये ना इतना ये चलाक बनने की कोशिश कर रहा है कि ये रिवाइव भी कर रहा है, और साथ ही साथ ये हमारे टीममेट से लड़ भी रहा था। ऐसा थोड़ी ना होता, पहले तुम ऐसा करो कि कवर लेके पूरा रिवाइव ही कर लो। तो मैं इसे पहले ख़त्म करने वाला हूँ, मेरा टीममेट कैसे डाउन हुआ पता नहीं, लेकिन यहाँ पर लैंड माइंड वगैरह कुछ लगा हुआ शायद से, तो वो डाउन हो गया। लेकिन चलो यहाँ पर लूट हो चुकी है, तो हम चलने वाले हैं इधर, मुझे चलना है इधर, क्योंकि मुझे जैसा कि लग रहा है इधर बंदे हो। जैसा कि बंदे इधर थे, तो मेरे टीममेट्स ने पहले यहाँ पे लड़ाई स्टार्ट कर दी, तो युद्ध यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, दाखिल होने वाले हैं और किल थोड़ा चोरी करेंगे भाई। 18 18 18 13 13 13 ऐसे कुछ समथिंग समथिंग इससे डैमेज पड़ा है, और शायद से वो बंदा डाउन हो गया, तो मतलब यहाँ पे मेरा किल चोरी हो गया है। मैं ऐसे ही मार देता हूँ, कुछ तो डैमेज ही मिल जाए भाई, किल तो मिलने से रहा। यहाँ पे देखो बंदे थे, लेकिन इन्होंने सभी को ख़त्म कर दिया, ऊपर ऊपर ही सभी को मार ही दिया इन्होंने, मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा भाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है मेरे लिए। तो कुछ लूट में देख लेता हूँ, लूट मुझे जो चाहिए, लूट मेडिकेट वगैरह चाहिए, वो मिल ही नहीं रहा है। देखता हूँ ऊपर मेडिकेट, मुझे लगे समझ नहीं आ रहा कुछ, हेडलिस्ट करके देखता हूँ, और हेडलिस्ट ये गया भाई फैक्ट्री के ऊपर, जो कि बड़ी ही खतरनाक वाली बात है। तो समझ रहे हो ना तुम कितनी खतरनाक वाली ये बात है। तो चलते हैं हम इधर, देखो इधर होंगे बंदे, तो चलते हैं हम। तो हम आ चुके हैं फैक्ट्री के ऊपर, नहीं फैक्ट्री के नीचे,
फैक्ट्री के नीचे मुझे कुछ दिखा नहीं, एक बंदा दिखा वो भी भाई 1929-33 ऐसी कुछ, इसे भी डैमेज पड़ा, लेकिन ये भी किल मेरे हाथ से गया, कोई काम का नहीं ये किल मेरा, ये भी किल मेरे याद से गया क्योंकि मेरा पिंग हाई हो रहा है। तो पिंग हाई होने का ये भी एक खतरनाक वाला होता है ना, कि गंदा वाला घटिया वाला जो होता है ना वही हुआ है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो ये भी मिला है, तो मैं यहाँ पे तो भाई किल चोरी करने वाला हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक दो किल चोरी हो चुका है। यहाँ पे किसी ने रिवाइवर पॉइंट को ऑन कर दिया, चुपके से भाग गया या छिप गया मुझे पता नहीं। तो मैं जाने वाला हूँ ऊपर और इनका करने वाला हूँ खात्मा, जो कि होने वाला है बड़ा ही खतरनाक। तो देखते हैं ना कौन है। आता माजी सटकली, यहाँ पे रिवाइवर शायद रिवाइवर पॉइंट ऑन था, लेकिन चलो पहले मैं इधर देखता हूँ। लेकिन भाई क्या बात है, शायद उसने मुझे पीछे से डैमेज देना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन शायद मेरे टीममेट्स ने उसे डाउन कर दिया। बंदा तो डाउन हो चुका है और यहाँ पे देखते हैं, इसको पहले ख़त्म करना पड़ेगा देवा, क्योंकि ये इसको ख़त्म नहीं करेगा तो ये मेरे को मार देगा, जब मेरे को मार देगा तो ये लोग फिर से मेरे को रिवाइवर पॉइंट से रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, या बॉक्स से कुछ भी हो, मेरे को फिर से रिवाइव नहीं होना है। तो इसीलिए अपन इससे अच्छा कि मरना ही नहीं है रे देवा, मरने से तो एकदम लाख गुना अच्छा है कि हम फिर से खेलेंगे। ये देखो ये इतना मत चट पागल बोल सकते हैं इसको, ये बाइक से भाग रहा है, तुम जानते हो ना कि बाइक से पूरा डैमेज पड़ता है, लेकिन नहीं इसको बाइक से ही भागना है क्यों, तो बाइक से भागने में जो मज़ा है ना किसी चीज़ में नहीं है, इसे लगता है, मुझे नहीं ऐसा लगता है, ये बाइक से क्यों भागा, इससे अच्छा कि तू जाता ही नहीं भाई, तू मरता ही नहीं, लड़ लेता फाइट कर लेता, तू इधर साइड से निकल सकता था ये बंदा, लेकिन नहीं इसे हमसे लड़ाई करके ही जाना था, लेकिन तो कोई बात नहीं भाई मरो तुम। मेरे यहाँ पे 6 किल हो चुके हैं जो कि बहुत बड़ी बात है, तो हम हिट लिस्ट करने वाले हैं। आपको दिखेगा नहीं कि हिट लिस्ट मेरा कहाँ जा, देखो ये आ गया प्लस का मामा, भाई ये क्या जादूगर है, ये इधर से इधर भाई, ये कहाँ आदमी हो भाई तुम, कभी इधर जा रहे हो कभी इधर जा रहे हो, एक जगह रहो ना अस्थिर खड़ा, उससे ना एम लेने में मस्त मज़ा आता है। यहाँ पे देखो फिर एक बंदा इसका रिवाइव होके आ चुका है, इसे ये ना अपने आप को ये समझे ना कि इसने मुझे मारा, मैं आऊँगा रिवाइव लेके, जैसा कि मैं भी करता हूँ कि रिवाइव जैसे हुआ मैं मारने के लिए आ जाता कि नहीं नहीं मैं इसे मार सकता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं सीन कि फिर से मैं खुद मर जाता हूँ, तो ऐसा करने का ना कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, उसने कोशिश तो किया, मैंने तो वो भी नहीं किया अभी तक। अब हम चलते हैं क्लॉक टावर की ओर, क्योंकि उधर बंदे का मुझे कुछ ऐसा सीन मिला है कि एलियन उधर एग्जिस्ट करते हैं, तो हम चलते हैं भाई। अगर एलियन होंगे ना पीक पे, सॉरी क्लॉक टावर पे, तो मिलेंगे ही मिलेंगे, तो चलते हैं हम उधर की ओर। Head there. Wipeout.
तो जैसा कि मैं एलियन की तलाश में इधर आया और भाई एलियन को ना 67 का डैमेज भी पड़ा, डैमेज पड़ा है उसको 67 का, लेकिन वो ऐसा भीट आदमी ना कि वो अंदर से निकलने को तैयार ही नहीं हो रहा, बोलते ना ये आ गया, ये सही था गुरु, ये सही था। उसने इधर से जंप मारी, मैंने इधर से जंप मारी, दोनों का एम नहीं बना, मेरा एम बन गया लास्ट में, लेकिन डैमेज पड़ने के बाद। ऐसा कोई सीन नहीं है कि डैमेज पड़ने के बाद ही पड़ा, लेकिन पड़ा भाई, एम तो बना, वो बंदा गया, मज़ा आ गया मेरे को। देखो यहाँ पे मुझे ना उस गुलाबी वाली झोपड़ी के अंदर बंदे दिखे, तो दो बंदे उधर से आए, तो दौड़ते दौड़ते, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पे सोचे हिट लिस्ट का प्लान बना रहे कि हिट लिस्ट करें, क्या कहते हो, हिट लिस्ट करना चाहिए ना, हिट लिस्ट करते हैं पहले, क्या करूँ क्या ना करूँ समझ नहीं आ रहा, देख लेता हूँ हिट लिस्ट करके, अगर हिट लिस्ट करने के बाद बंदे दिख जाते हैं तो अच्छी है, लेकिन हटाओ हिट लिस्ट नहीं करूँगा क्योंकि उधर से